हेलो मैरिनर्स, आज का वीडियो हमारा लिफ्टिंग गियर्स एंड टैकल न्यूमेरिकल्स के लिए है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स को जान लेते हैं कि टैकल्स कैसे क्या होता है, उनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, कैसे क्या यूज करना है। तो पहले हम लिफ्टिंग गियर पे जाते हैं। लिफ्टिंग गियर क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉम्पोनेंट्स। एग्जाम्पल, अ डेरिक कंसिस्ट्स ऑफ डेरिक बूम, ब्लॉक्स, साइकिल एक्सेट्रा एंड वायर रोप्स। SWL, सेफ वर्किंग लोड। इट इज द स्ट्रेस दैट ए कॉम्पोनेंट ऑफ लिफ्टिंग गियर अपरेटस कैन सेफली बेयर इन नॉर्मल यूज। तो क्या होता है कि जैसे हम किसी रोप या वायर को या चेन को अगर हम खींच रहे थे, जो उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा होता है, तो वो अपरेटस का जो इक्विपमेंट है, वो अपरेटस या आपका इक्विपमेंट है, वो कितना स्ट्रेस आपका बेयर कर सकता है। ऐसे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और स्ट्रेस इज द स्ट्रेस एट विच कॉम्पोनेंट विल फ्रैक्चर। जैसे आप किसी चीज के ऊपर ज्यादा फोर्स करोगे, अगर आप इस पेन के ऊपर ज्यादा फोर्स लाओगे एक पॉइंट के ऊपर, ऐसे ही अगर आप लिफ्टिंग गियर से कुछ वेट उठा रहे हो जो उसके SWL से ज्यादा है, तो उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और वो स्ट्रेस उसके SWL से ज्यादा ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाता है, तो क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, वो टूट जाता है। ऐसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज टू डिवाइड द ब्रेकिंग स्ट्रेस टू ऑब्टेन द SWL। फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉर्मली टैकल क्वेश्चंस में 6 यूज करते हैं। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फॉलोइंग फॉर्मूलाई। ये फॉर्मूलाइज जो गिवन है, जैसे रोप्स का है, चेन का है, वायर का है, तो हम इन सब का याद करेंगे। आप इधर देख सकते हैं कि रोप में मनीला, प्रोपलिन, टेरिन और नायलोन, जो टैकल के क्वेश्चंस में पूछते हैं कि इसका डायमीटर कैसा, तो ये फॉर्मूला डायमीटर यूज करने के लिए भी ही हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग इसको याद करने के लिए कि ये 2D square, 3D square, 4D square या 5D square कैसे मनीला के लिए यूज होगा, कैसे पॉलीप्रोपिलीन के लिए यूज होगा, कैसे टेरिलीन के लिए यूज होगा, कैसे नायलोन के लिए यूज होगा, हम उसे रिमेम्बर करने के लिए हिंदी में हम लोग नॉर्मली याद करते हैं, मैं पढ़ा तू नहीं। तो जैसे मैं पढ़ा, मैं फॉर मनीला, पढ़ा फॉर पॉलीप्रोपिलीन, टेरिलीन टू और नायलॉन के लिए नहीं। तो आप अगर ऐसे याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और इंग्लिश में अगर आपको याद करना था, माय पार्टी नॉट टू नॉइज, इसमें एक नॉट आपको वर्ड ऐड करना पड़ेगा। माय पार्टी है, माय फॉर मनीला, पी फॉर पार्टी, नॉट टू टेरिलीन, टू फॉर टेरिलीन एंड नॉइस के लिए नायलॉन। ऐसे तो मनीला के लिए 2D square upon 300, पॉलीप्रोपिलीन के लिए 3D square upon 300, ऐसे टेरिलीन के लिए 4D square upon 300 एंड नायलॉन के लिए 5D square upon 300। यहाँ पे चेन के लिए गिवन है। चेन के आपको तीन ग्रेड टाइप मिलते हैं, तीन स्टड्स होते हैं। तो ग्रेड वन स्टड होता है 20D square upon 600, ऐसे ही ग्रेड टू के लिए 30D square upon 600 एंड ग्रेड थ्री के लिए 43D square upon 600। आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि टैकल के क्वेश्चन में लास्ट में वो पूछता है कि हम इस वायर का, अगर ये वायर हमें यूज करना है, ये चेन हमें यूज करना है, ये रोप हमें यूज करना है, तो आपको वो बोलेगा कि मनीला रोप यूज करना है, तो उसका डायमीटर निकाले कि कितने का डायमीटर का मनीला रोप यूज कर सकते हैं, कितने मतलब स्ट्रैंड का हम वायर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही वायर के केस में आपको 6x12 वायर पर स्ट्रैंड के लिए 15D square upon 500, 6x24 वायर पर स्टैंड के लिए 20D square upon 500 एंड 6x37 वायर पर स्टैंड के लिए 21D square upon 500। ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा आगे जब आप टैकल क्वेश्चन के लिए गए। तो अब आप टैकल क्वेश्चन में जब जाते हैं तो आपको दिमाग में एक बात आ रही होगी कि वो टैकल्स होते क्या है, कैसे दिखते हैं। टैकल्स एक ब्लॉक होते हैं, आप गूगल के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे वुडन ब्लॉक के अंदर शीव्स होती है, उसके अंदर रॉप्स होता है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टैकल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सिंगल विप मतलब जिसके अंदर आपकी सिर्फ एक शीव है, एक ब्लॉक है उसके अंदर एक शीव है, यहाँ पे n=1 नंबर ऑफ शीव है।
एंड W इज इक्वल टू वेट, जो वेट उठा रहा है इस ब्लॉक के ऊपर। ये आपका वेट का मोमेंट है कि वेट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो हम खींच रहे, जो फोर्स लग रहा है, एफर्ट हो रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप यहां पे देखेंगे दूसरे नंबर पे है गन टैकल। गन टैकल आपका, जैसे गन टैकल आपने हिंदी में, अगर मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊं इसको याद करने के लिए, आपने दो नाली बंदूक सुनी होगी, उसके अंदर दो नाली होती, तो इधर दो शिव हैं, तो दो शिव हैं, तो एन इज इक्वल टू टू। ऐसे ही वॉच, वॉच और लेफ्ट टैकल, जो थर्ड नंबर का जो टैकल है, जो इसको ब्लॉक एंड परचेज में जो आपका यूज करना है, तो आपका थर्ड नंबर का जो टैकल है उसको वॉच और लेफ्ट टैकल। आप वॉच से याद कर सकते हैं, वॉच के अंदर थ्री कांटे होते हैं, जैसे इसके अंदर, इस वॉच के अंदर तीन कांटे होते हैं, वॉच के अंदर तीन सुइयां होती है, वैसे ही आप इसके अंदर तीन शीव्स हैं, तो इधर एन नंबर ऑफ थ्री है, इसका वेट का मोमेंट ऊपर है और जो एफर्ट है वो नीचे। ये सब मैंने डिसएडवांटेज मोमेंट के अकॉर्डिंग बना रखा है, जो बुक में गिवन था हम ऐसे। आपका आता है नंबर फोर पे डबल फोल्ड, डबल फोल्ड या टू फोल्ड। टू फोल्ड के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे एन नंबर कितना है, चार। ऐसे ही गिन टैकल, गिन टैकल आप देखेंगे, गिन का मतलब पांच, आप याद कर सकते हैं, गन के अंदर दो, गिन के अंदर पांच, ऐसे आपको याद करना है। थ्री फोल्ड, आप तीन को दो बार फोल्ड कर दोगे तो उसके अंदर छह, वो छह हो जाता है, तो इधर आपका एन नंबर है सिक्स। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे वी आर आपको यूज होता है इक्वल टू नंबर ऑफ शीव्स के अकॉर्डिंग, वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के अकॉर्डिंग होता है। वी आर इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, जो शीव के ऊपर जो आपका मूवमेंट हो रहा है उसका रेशियो होता है, तो वी आर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट एंड वेलोसिटी ऑफ लोड ऑन शीव्स, इसलिए हम वी आर को नंबर ऑफ शीव्स के इक्वल लेते हैं इधर। तो नोट, इन एडवांटेज इफ एन इज इक्वल टू वन देन वी आर इज इक्वल टू एन प्लस वन। इन एडवांटेज में क्या हुआ कि आपका जो वी आर है वो प्लस वन हो जाता है, एडवांटेज में प्लस वन, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मार्क्स, जैसे हम बोलते हैं ना अच्छी राइटिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स, इधर एडवांटेज हो रहा है, तो वी आर आपका प्लस वन हो जाता है। डिसएडवांटेज में जितना नंबर ऑफ शिव है उतना ही वी आर रहेगा, इधर आप देख सकते हैं एन इज इक्वल टू वन देन वी आर इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू वन। एफर्ट, ये फॉर्मूला आपको टैकल क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट है। एफर्ट का जो फॉर्मूला है इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एन डब्ल्यू इंटू में फ्रिक्शन ऑन वी आर। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो आपका लोड है, वेट है, और जो एन है वो नंबर ऑफ शिव है जो आपका टैकल यूज हुआ है, और फिर यहाँ पे दोबारा फिर आपका डब्ल्यू जो लोड है, और ये फ्रिक्शन परसेंटेज है, जो फ्रिक्शन आपको गिवन होगा। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि आपको कितना फ्रिक्शन लेना है, आप 10% ही आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड फर्नांडिस की बुक जो है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो फ्रिक्शन है वो 10% ही यूज करना है। एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शन, और वी आर को जो मैंने आपको बताया वो वेलोसिटी रेशियो। फिर इधर आते हैं, आप देखते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज आपको बोलता है कि आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, एफिशिएंसी आपको बोलेगा, एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको मैकेनिकल एडवांटेज की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लोड अपॉन एफर्ट। एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम आपको बोलता है कि उसका वायर का डायमीटर निकालो, सिस्टम जो है डायरेक्ट सिस्टम है उसका एफिशिएंसी निकालो। तो इधर आप देख सकते हैं एक डायरेक्ट सिस्टम है, डायरेक्ट सिस्टम में ये मैंने आप इमेजिन करिए एक डायरेक्ट है, डायरेक्ट के अंदर आपको बोलेगा कि एक टैकल हमने या ब्लॉक एंड परचेज यूज किया है, तो आपने उसको डायरेक्ट के ऊपर यूज किया हुआ है, फिर वो बोलता है कि जो उसका एफर्ट है वो एक लीड ब्लॉक के थ्रू जा रहा है, नीचे वो हील ब्लॉक के थ्रू जा रहा है टू विंच, ऐसा आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना लीड ब्लॉक आपका परचेज के पास ऊपर लीड इस पे डायरेक्ट हेड पे रहेगा, या डायरेक्ट हेड है, और जो आपका हिल ब्लॉक है वो नीचे रहेगा, जिसके थ्रू आपका विंच के थ्रू जाता है। अगर आपका बोलता है कि सिर्फ एक परचेज एक ये सिस्टम है और आपका उसका एफर्ट है वो लीड ब्लॉक के थ्रू जाता है, वो डायरेक्ट विंच में भी जा सकता है, उधर हिल ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन गिवन है, ए गिन टैकल रिव टू एडवांटेज एंड ए लेफ्ट टैकल रिव टू डिसएडवांटेज आर टूगेदर यूज टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 22 टन। The weight is suspended from the gin tackle whose hauling part is secured to the moving part of the left tackle. Find the
मिनिमम साइज ऑफ द 6x37 वायर टू बी यूज इन दिस टू परसेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पीछे आपके क्वेश्चन जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो थिंग्स बताई हैं, आप देख सकते हो, उसमें मैंने कुछ वायर वाला आपको फॉर्मूला बताया था कि हम वायर का जब मिनिमम साइज निकालेंगे तो लास्ट में आपका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला यूज होगा, 21d² / 500, ये आपको लास्ट में यूज करना है। तो चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन में कि कैसे एक वेट को इन्होंने दो सिस्टम के साथ उठाया हुआ है। तो इन्होंने बोला है पहले गिन टैकल, गिन टैकल में आपके कितने ब्लॉक्स होते हैं, टू ब्लॉक्स, इसको मैं इधर टाइप कर देता हूं, ये आपका कोई भी रूफ या कोई भी सॉलिड पार्ट है जहां पे टाइप किया हुआ है, ये इधर वेट है। वो बोलता है कि एडवांटेज में है, मतलब जो इसका एफर्ट है वो एडवांटेज में लगेगा। ओके, फिर वो बोलता है कि जो ये जो आपका जो एफर्ट लग रहा है वो दूसरे मूविंग पार्ट में है, मूविंग पार्ट में किसके, लेफ्ट एकल के, लेफ्ट एकल यानी वॉच टैकल, जिसमें नंबर ऑफ एन कितना है, 3, इधर नंबर ऑफ एन कितना है, 5, ये एडवांटेज में है, तो इधर वी आर कितना हो जाएगा, 5+1। तो आपका इधर आप देखेंगे जो मूविंग पार्ट है जो लेफ्ट टैकल है वो आपका डिसएडवांटेज में, आप देखेंगे वेट अपना ऊपर जा रहा है, ये एफर्ट इधर लग रहा है और जो ये एफर्ट है ये इधर नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये डिसएडवांटेज में है। इधर n इक्वल टू 3, वी आर इक्वल टू 3, तो आप देख सकते हैं एक सिस्टम ये है आपका, एक सिस्टम ये है, तो हर चीज का अलग अलग एफर्ट निकलेगा। तो अगर हम एफर्ट निकाल ले E1, एफर्ट 1, तो एफर्ट का जो फॉर्मूला है वो W प्लस NW इंटू में फ्रिक्शन परसेंट अपॉन VR है। यहां पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहां पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी और फ्रिक्शन गिवन नहीं है, तो आपको फ्रिक्शन 10% एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 लेना है। ओके, तो E1 में आप देखिए क्या होएगा, 22 प्लस एन आपका 5 इंटू में 22 इंटू में 0.1, 10% था उसका 0.1 हो गया, वी आर आपका इधर एडवांटेज में तो ये 6 हो जाएगा, तो ये कितना होएगा, आप कैलसी में मेजर कर सकते हैं, 22 इंटू में 5 इंटू में 0.1 प्लस 22 डिवाइड बाई 6, तो ये आपका आ गया 5.5 टन। तो ये आपका एफर्ट वन निकल गया, एक सिस्टम का एफर्ट आपका निकल गया, तो अभी आपको एफर्ट टू निकालना है जो आपका दूसरे सिस्टम में एफर्ट निकल रहा है, क्योंकि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, उसने पूछा कि मिनिमम वायर कितनी होगी, तो हमको दोनों का निकालना है। तो आप देख सकते हैं जो वेट इधर था वो इस सिस्टम में ये वेट था, लेकिन इस सिस्टम में जो लेफ्ट टैकल में है ये पूरे सिस्टम का वेट इधर आ जाता है, तो इधर का ये क्या है, ये आपका वेट हो जाता है, जो ये एफर्ट इधर लग रहा है वो आपका इस सेकंड सिस्टम में वेट हो जाता है। तो जो ये हमने एफर्ट निकाला है E1 का, वो आपका E2 में वेट हो जाता है, तो हो जाता है 5.5 प्लस जो N है सिस्टम का कितना, 3 इंटू में 5.5 इंटू में 0.1 अपॉन जो आपका VR है वो डिसएडवांटेज है, तो वो 3 ही आपका हो जाएगा, इंटू में 3 इंटू 0.1 प्लस 5.5 डिवाइड बाई 3, इधर आपका आ जाता है 2.38 टन। इधर आप देख सकते हैं कि जो हमने एफर्ट निकाला है A2 का वो 2.38 निकला है, तो जो एफर्ट होता है वो इक्वल टू SWL होता है, और आप देख सकते हैं कि SW हमारे पास फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी है,
हमें ब्रेकिंग से हमें डायमीटर निकालना है। तो हम जो SWL कैसे प्राप्त करते हैं, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को डिवाइड करते हैं तो SWL हो जाता है। तो इधर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, SWL इंटू में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे आपके दो सिस्टम है तो दोनों सिस्टम का कैलकुलेट होगा, इधर E1 से इधर E2 से। तो यहाँ का आपका जो फॉर्मूला है इसका 6 × 37 जो वायर के लिए निकालने के लिए वो है आपका 21D² / 500 ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। और यहाँ पे आपका जो SWL है वो आपका E1 है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी है आपका इधर, ऐसे ही सेम इधर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है 21D² / 500, ये आपका हो जाता है E1 में जो आपका 5.5 आया इंटू में 6, इधर हो जाता है 21D² / 500, ये आपका हो जाता है 2.38 इंटू में 6। तो लास्ट में जो हमारा डायमीटर निकलता है वो आप देख सकते हैं, पहले हम इसी का निकाल लेते हैं। यहां पे है इंटू में 6 इंटू में 500 डिवाइड बाय 21 अंडर रूट, ये आपका 18.45 आ रहा है, इज इक्वल टू 19 mm, ये डायमीटर ऑफ वायर रोप आ रहा है। लेकिन आपने कभी 19 mm नहीं सुना होगा, इसलिए आपको इसको 20 mm लिखना पड़ेगा राउंड ऑफ करके। सेम ऐसे ही अगर हम इधर देखें तो 5.5 इंटू में 6 इंटू में 500 डिवाइड बाय 21 अंडर रूट, ये आपका आ जाता है 28 mm। तो 28 mm का कोई वायर रोप नहीं होता, इसको आपको राउंड ऑफ करके 30 mm, ये आपका आंसर है। तो आप देख सकते हैं हमने टैकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ आपको क्वेश्चंस निकालने हैं या कोई आपको किसी और न्यूमेरिकली आपको कुछ पूछना है तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, या फिर जो मेरे पेज पे जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा ईमेल आईडी गिवन है, आप उस पे मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन आपको मेल कर दूंगा। थैंक यू। Track.